everybody, namaskar, welcome or welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सब के साथ रेनी सीजन के स्किन केयर के बारे में बात की थी एंड उसी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रेनी सीजन में हमें हमारा मेकअप मिनिमम रखना चाहिए। वी शुड अप्लाई वेरी लाइट मेकअप एंड सम ऑफ यू डीएम्ड मी आस्किंग मी टू शेयर हाउ टू डू मेकअप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो योर विश इज माय कमांड एंड हियर आई एम शेयरिंग विद यू हाउ आई डू माय रेनी डे मेकअप एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू टुडे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं परमजीत एंड आई पोस्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट हियर। सो वेदर इट इज स्किन केयर, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेपिंग, आई हैव ओवर 100 वीडियोस ऑन ऑल ऑफ दीस। आई आल्सो हैव अ कपल ऑफ व्लॉग्स एज़ वेल एज़ फन चैलेंजेस। So if you are interested, please consider subscribing to my channel and also hit that small bell icon right next to it so that you get notified every time I upload a video and you don't miss any of my uploads. My other socials are listed down below in the description box. Now, let's get going. Let's begin with the skincare first. Face मैंने already wash कर लिया है and now I'm going to apply a toner and the one that I'm using is the Perenne Aqua Restoration Tonic Mist. Now for the moisturizer, you have seen me regularly using the moisturizing lotion from Cetaphil. लेकिन rainy season में ये भी मेरी skin को थोड़ा सा face moisturizing gel cream from the natural wash. This has green tea and cucumber extracts, जिससे मेरा skin बहुत ही refreshed feel करता है and plus it keeps my skin oil free for a long time. So I'm going to be using this one. I don't use a separate eye cream during rainy season. क्योंकि कोई भी तरीके की क्रीम जब मैं अपने स्किन पर लगाती हूँ रेनी सीजन में तो इट टेंड्स टू मेक माय स्किन लुक ग्रीसी। सो आई यूज द सेम जेल क्रीम दैट आई अप्लाई ऑन माय फेस ऑन माय अंडर आईज एज़ वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिप केयर एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माय फेवरेट लनेज लिप स्लीपिंग मास्क। रेनी सीजन में मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा स्वेटी हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ी ही टाइम में वो ऑयली और ग्रीसी दिखने लगती है। अब इसे अवॉइड करने के लिए मैं मेकअप शुरू करने से पहले मैं एक सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ एंड अ सेटिंग स्प्रे दैट आई लाइक टू यूज इज द शार्लेट टिलबरी एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। दिस इज अ मैट सेटिंग स्प्रे। अगर ये नहीं है तो मैं कोई भी और मैट सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप एंड इवन बिफोर आई अप्लाई द प्राइमर। So this helps me to control the greasiness to a certain extent. अब हम प्राइमर लगा लेते हैं एंड आई एम बिगिनिंग विद द स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर। इवन दो आई एम नॉट गोइंग टू बी अप्लाइंग टू मच मेकअप, मैं फिर भी प्राइमर जरूर लगाती हूँ क्योंकि प्राइमर लगाने से हमें हल्की सी ब्लरिंग इफेक्ट मिल जाती है प्लस जो भी थोड़ा सा प्रोडक्ट हम लगाने वाले हैं उसकी स्टेइंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है जब हम प्राइमर लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आज मैं डायरेक्टली कंसीलर लगाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्किप द कलर करेक्शन। जब भी आप कलर करेक्शन स्किप कर रहे हैं एंड आप डायरेक्टली कंसीलर लगाने वाले हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट द कलर ऑफ द कंसीलर हैज टू बी एन एग्जैक्ट मैच विद योर स्किन टोन। सो द वन दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड दिस इज इन द शेड 160N मीडियम। नाउ अगर आपके पास कंसीलर नहीं है एंड इफ यू हैव अ फाउंडेशन विच इज अ थिकर फॉर्मुलेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये शुगर का रेज फॉर कवरेज वाला फाउंडेशन है, ये बहुत ही थिक है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंसीलर, सो यू कैन यूज दिस एज वेल। बट इसे हमें पूरे फेस पे नहीं लगाना है, कंसीलर हमें वहां वहां लगाना है जहां पे हम यूजुअली कलर करेक्शन करते हैं। सो आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग इट ऑन माई अंडर आईज हियर just a little bit, then on the acne scars that I have and any other darkness that I have on my face. So it's around here, normally around the nose bhi hoti hai thodi si, and on the sides of the forehead I have a little darkness going on here as well. I'm also applying it on my lids because lids pe bhi thoda sa mujhe darkness dikh rahi hai. जब भी हम कंसीलर या कोई थिक फाउंडेशन लगा के अगर कंसीलिंग कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ब्लेंडिंग इट, क्योंकि वो बहुत ही थिक फॉर्मुलेशन है तो बहुत आसानी से ब्लेंड होगा नहीं, तो यू माइट हैव टू स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम ऑन ब्लेंडिंग इट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कंसीलर लगा लिया है और इससे मुझे मीडियम कवरेज मिल रही है। अब इसके ऊपर से मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ बिकॉज रेनी सीजन में मेकअप हमें मिनिमम रखना चाहिए, बहुत ज्यादा मेकअप लगाना ही नहीं चाहिए।
So this medium coverage concealer is what I'm okay with. And now on top of this, I'm going to apply a cream blush. Now why I like to apply a cream blush is because agar maine powder blush lagaya and main bahar gayi, by chance agar wet ho gaya wo, to my powder product is going to get removed. तो अगर मैं उसके नीचे से कोई भी क्रीम ब्रश लगाती हूँ तो आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप लेफ्ट आफ्टर द वॉश आउट इज डन. सो इसीलिए जो मैं क्रीम ब्रश लगा रही हूँ दैट इज द जस्ट हर्ब्स लिप एंड चीक टिंट. दिस इज इन द शेप पेल पिंक एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी कलर. और इसे बहुत ही हल्का सा लगाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर से मैं पाउडर ब्रश भी लगाने वाली हूँ. नाउ आई जस्ट टेक इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड लाइटली टैप ऑन माय चीक्स. Now this is just as a base and this we have to do before we apply any kind of powder. अब इसी टिंट को थोड़ा सा मैं आईशैडो ब्रश में लेके I'm going to apply it on my eyes as well, just to give a light hint of color. अब मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी एंड आई डोंट वांट टू फिल देम वेरी हेवी और डार्क कलर्ड. आई जस्ट वांट टू फिल इन द गैप्स. सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द बेनिफिट प्रिसाइसली माय ब्रोज पेंसिल. इस तरीके के मिनिमल लुक के लिए कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लुक मिनिमल है और उसके साथ अगर हम कॉन्टोरिंग करेंगे तो इट विल नॉट जेल. So we are going to skip contouring. Now मैंने क्रीम प्रोडक्ट सारे अपने फेस पे लगा लिए हैं. There is no other cream product that I'm going to be applying on my face. So now I can set it with a powder. अब सेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. So you have either a translucent powder like this one. This is lightly colored, लेकिन जैसे ही हम लगाते हैं इसे अपने फेस पर ये ट्रांसपेरेंट लुक देने लगता है एंड जो भी कलर या क्रीम प्रोडक्ट आपने नीचे लगाया है वही कलर आपको दिखने लगेगा. Now, इसके अलावा the other option is to use a colored setting powder and that is something like this one. Now, you can see that this has color in it and this is matching with my skin. Whenever you're buying a colored powder like this one, you have to be very careful कि ये आप अपने skin tone से match करके ही लें. And whenever you're buying this also, इसे आपको अपने cheek पे लगा के ही लेना है. It has to match your face का skin, just the way we do with our foundations. Now, इसे हम कब यूज करेंगे? We use this kind of colored powder when you have a cream product जो आपने excess में लगा लिया है. Suppose ये मैंने जो blush लगाया है बहुत ही heavy अगर हो गया and I don't want it to look like that. मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा dull down हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए, तब मैं इस तरीके का product use करूँगी क्योंकि इसमें already color है. इसका layer जब ऊपर जाएगा तो it will give a little brown cover on top of it and मेरा blush थोड़ा सा light दिखने लगेगा. But currently जो मैंने क्रीम ब्लश लगाया है that is sufficient for me today. So I don't want to use this kind of product because I don't want to lighten the blush that I have already applied. So I'm going to be using this one which is a translucent powder and this is from Cover FX. You get it from other brands as well. Sugar may be available hai and the one that I'm using is from Cover FX. But remember that when I'm going to apply it, I'm also going to be applying it on my eyelids. Usually hum powder jab setting karte hain to eyes ke upar nahi lagate kyunki hum powder eyeshadow lagate hain. बट क्योंकि मैंने यहाँ पर भी क्रीम प्रोडक्ट लगाया है तो इसके ऊपर भी मुझे इसे सेट करने के लिए पाउडर लगाना पड़ेगा. सो इधर आई अप्लाई एन आई शेडो पाउडर आई शेडो और आई अप्लाई दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर. सिंस आई डू नॉट वांट दिस टू बी डार्कर देन व्हाट इट इज ऑलरेडी आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर. तो चलिए अब इसे लगा लेते हैं. Coming to the eyeliner, मुझे लगता है कि रेनी सीजन में जेल या लिक्विड आईलाइनर दोनों ही नहीं लगाने चाहिए क्योंकि आप कितना भी ध्यान रखो थोड़ा तो स्मज हो ही जाता है. सो दैट इज वाई आई फील कि उसकी जगह अगर आपको आईलाइनर लगाना ही है तो आप एक काजल पेंसिल यूज करें और उससे आप आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज आई थिंक दिस हैज मोर स्टेइंग पावर देन जेल आईलाइनर और लिक्विड आईलाइनर्स. This is the Faces Magnetized Kajal Pencil. You can use any other Kajal Pencils. क्योंकि आजकल जो भी Kajal Pencils मिल रही हैं, सभी waterproof होती हैं and they do not smudge very easily and easy setting होती हैं. Lightly smudging.
And depending upon the mood, I also like to sometimes use the same kajal and tightline my eyes as well. तो जब भी हम tightlining करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे किसी powder product के साथ set कर दें, नहीं तो kajal bleed होने लगता है. So I am going to be using the same translucent powder that I used on my face and I am setting the kajal in place on my lower lash line. अब लिपस्टिक लगाने से पहले आई एम यूजिंग द सेम सेटिंग स्प्रे दैट आई यूज्ड अर्लियर, द शार्लट टिलबरी फ्लॉलेस एयरब्रश सेटिंग स्प्रे, एंड आई एम गोइंग टू सेट द होल लुक बिफोर आई अप्लाई माय लिपस्टिक. अब रह गई है सिर्फ हमारी लिपस्टिक, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे लिप लाइनर. एंड द लिप लाइनर दैट आई एम यूजिंग टुडे इज द Maybelline कलर सेंसेशनल लिप लाइनर इन द शेड 338. यू नो दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं इसे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वीडियोस में इसे ही यूज कर रही होती हूँ. बट अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज दैट लिप लाइनर जो हम लगाएंगे उसे हमें पूरे लिप्स में लगाना है. नाउ व्हाई आई लाइक टू डू दैट इज दैट दिस लिप लाइनर व्हेन आई फिल इट इन माय फुल लिप्स तो एक लेयर क्रिएट हो जाती है, और उसी के ऊपर जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो आई हैव टू लेयर ऑफ माई प्रोडक्ट्स ऑन द लिप. तो जब भी अगर लिपस्टिक उतर जाए फॉर एनी रीजन तो I will have an extra layer of my lip liner underneath. तो अगर लिपस्टिक उतर भी जाए तो लाइट कलर फिर भी रहता ही है बिकॉज ऑफ द लिप लाइनर दैट आई हैव, राइट? सो इसलिए लिप लाइनर को हम पूरे लिप्स में फिल करें. अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द कलर बार सारी लिप लिपस्टिक इन द शेड पीकाबू. आई हैव अ होल वीडियो रिव्यूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड आई विल लिंक इट इन द आई बटन अप हियर फॉर यू, एंड प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट. बारिश के दिनों में बहुत ही रेगुलरली क्रिएट करती हूँ. आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा एंड यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे. एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग राइट नाउ. आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एंड सजेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए आई लव यू गाइस सो मच. टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.